एक आदमी भी उसके ससुराल का नहीं था, सब हॉस्पिटल से, यहाँ तक कि यहाँ से आदमी गया उसके घर, आदमी को भेजा हूँ मैंने जी घर पे भेजा, कोई नहीं, लॉक जी लॉक, चाकू से काटा गया है, बताया तो कि चाकू से उसको गलर को रेता गया, ऐसे जैसे मुर्गी जबा की गई हो, आपके सामने है, अगर आप देखना चाहें तो उसको खोल कर देख सकते हैं, आपको वो सिलाई लगाई हुई है, देख लीजिए गला को। सुने होंगे वो भी मीडिया में बहुत नहीं हुआ, जो आदमी मारा है वो जनाजा में भी है, पोस्टमार्टम में भी है, सब चीज़ में है, कातिल जो बड़ा साथी को होता है, चकमा देने के लिए कुछ भी करता है। सरकार से ये चाहते हैं इस तरीके से जांच हो, इस तरीके से इंसाफ मिले कि और की बहनों की लाश इस तरह ना पड़नी पड़े, जो कातिल हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी भांजी है, इसका नाम तरन्नुम परवीन है, ये खिरमा की रहने वाली है, 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई है, 1-8 महीने का बच्चा है लड़का, वो भी ऑपरेशन से हुआ है, तो इसको दिया गया है सब चीज़, फिर भी जो है किसी ना किसी तरीके से ज़हनी तौर पर इसके पैर ये दबाव वो दबाव वो दबाव, अब उसको हम क्या बताएं आपको। ये बच्चे की जो डेट हुई है, ये खबर जो हम लोगों को मिली है यहाँ किसी और के ज़रिए, ये 11 बजे तकरीबन, पूरा डेट नहीं बता सकता हूँ कि कितने बजे ये इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ इसका जो हुआ है हादसा इनके ससुराल में, गला जो है ना रेता गया है, बिल्कुल चाकू से काट दिया गया है गला, ऐसे काटा गया जैसे मुर्गी जबा की गई हो, ये कटा हुआ। आरोप किस पे है? आरोप हमने तो देखा नहीं कि भाई किसने किया नहीं किया, लेकिन इस चीज़ से तो ये कहा जा सकता है कि जब इंसान की बॉडी छोड़ दी गई, वहाँ छोड़ कर चले गए, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी ही, कुछ ना कुछ तो बात होगी कि आपने छोड़ दिया, छोड़ कर चले गए, ना आप दूसरे को खबर दे रहे हैं। शादी किस गांव में हुई? फरदाहा गांव है शकरी के पास, वहां शादी हुई है। कितने साल पहले हुई? 1.5 साल पहले। इसके जो हस्बैंड है वो कहां है? इनके हस्बैंड यहां नहीं रहते हैं, वो बाहर है, विदेश में है। विदेश में है। घर पे कौन कौन लोग? घर पे इनकी माँ रहती है, नौकरानी है एक, और इनके मामू हैं, जो चीज़ भी करेंगे इनके मामू करेंगे। शादी के टाइम में सब कुछ दिया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया था। उसके बाद भी कुछ डिमांड? हाँ डिमांड जी। क्या डिमांड करते थे? डिमांड में क्या है, तो ये तो इसका भाई है ये बताएंगे, हम लोगों को जो मालूम है कभी कुछ चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए इस तरह के टॉर्चर करते थे। आने का भी मामला है तो उस पर भी पाबंदियाँ हैं, फ़ोन का मामला है उस पर भी पाबंदियाँ हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, इससे बात नहीं कर सकते, उससे नहीं कर सकते, हम लोग वो भी सहे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। रात में जो हादसा हुआ उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर गए? वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं, छोड़कर चले गए, हम लोग जो लाश जब वहाँ से उठाए हैं पोस्टमार्टम के लिए गए हैं, यहाँ से जो लोग पहुँचे हैं एक फ़र्द भी नहीं है उनके, कोई नहीं है, ये हम अपनी ज़ुबानी नहीं बोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल के सीसी कैमरे को देख सकते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल रामशिला सकरी में हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल, लेकिन वो लोग लेकर गए हैं। इंसानियत के नाते भी ये होना चाहिए था कि उनको इन्फॉर्मेशन खुद देना चाहिए था, लेकिन वो खुद नहीं दे रहे हैं, किसी और से मालूम हो रहा है कैसे से हुआ। जब ये लोग पहुँचे हैं तो इमरान नाम का कोई लड़का है, उनका भांजा है, कौन है नहीं मालूम, 4-5 लोग लेकर आए हैं, हमने वहाँ पर भी अपील की है। ये फ़ोन से टॉर्चर करते थे? जी जी फ़ोन से बात करते थे। और यहां ससुराल के जो सास ससुर हैं वो? हाँ उनके भाई लोग भी। जी क्या नाम है? मोहम्मद नूर एलाही। कौन थी आप? मेरी बहन है, नहीं फुफेरी बहन जी। नहीं सर ये है क्या, एक्चुअली है क्या, ये रामशिला हॉस्पिटल आप तो जानते हैं, वहाँ ये सब तकरीबन 11 बजे लेके गए, 11 बजे लेके गए, तो ये लेके गए इन्फॉर्मेशन देना चाहिए यहाँ, ये तो मायका हुआ इनका, ससुराल वाला वहाँ लेके पहुँचे यहाँ मायका, तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना कि हम लेके आए आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, नहीं बताए, हॉस्पिटल वाला से मालूम चल रहा है कि हॉस्पिटल वाला ने प्रेशर दिया कि आप वहाँ फ़ोन करिए इनके मायके पर, फिर भी ये फ़ोन नहीं किया, बोले ना सही होने के बाद फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं आया, जब डी हो गई मर गई, हाँ जिंदा थे, हाँ गला जो कटा ना एकदम जैसे 2-3 आदमी पकड़ के और छुरी बेहतरीन से चला के पूरा गला को काट हुआ, नहीं सर ऐसा नहीं है, एक केस और हुआ था, एक केस देखे सुने होंगे वो भी मीडिया में बहुत नहीं हुआ, जो आदमी मारा है वो जनाजा में भी है, पोस्टमार्टम में भी है, सब चीज़ में है, कातिल जो बड़ा साथी को होता है, चकमा देने के लिए कुछ भी करता है, आप देखे होंगे मीडिया में आया होगा, वो जनाजा में भी है, पोस्टमार्टम में, आप जब देखिए जब डी हो गया वो लेके तो पहुंचा, जब इंतकाल हो गई तो वो भाग गया,
सब एक भी नहीं था। जब बॉडी वहाँ से ले गए हम लोग तो एक भी नहीं था। अहमदुल्ला नाम हुआ, मैं भाई हुआ जी जी, मेरी बहन थी वो। जी जी जी। कितने साल पहले शादी हुई? ये शादी 1.5 साल पहले हुई थी जी, करीब 1.5 साल हुआ। तो मतलब के लड़का भी कभी डिमांड करता था? लड़की की हमेशा डिमांड होती थी और मेंटली टॉर्चर था, मतलब है ना, पैसे मेंटली टॉर्चर होता था वो, ठीक है। तो कई बार समझाने की कोशिश हुई, जो डिमांडें थी कई पूरी भी की गई काफ़ी हद तक वो, लेकिन इनकी डिमांडें बढ़ती गई और फिर ऐसा कदम उठाएंगे हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं थी। और रात में जो खबर आई हम लोगों कि ये बीमार है वो खबर उन्होंने खबर नहीं की, वो लड़का अभी सऊदी अरब है वो, ठीक है जी, खबर उन्होंने नहीं किया। तो ससुराल में उनकी सासू अम्मा हैं, बाकी उनके मामू और हैं, ठीक है, वो चचेरे भाई और सब हैं, वो लोग मौजूद हैं। वो जो घरेलू लोग, घर के लोग थोड़े परेशान करते थे वो लोग। जी जी जी, घर के लोगों पर जी बिल्कुल। और वो लोग मतलब हॉस्पिटल में एडमिट किए और निकल गए वो लोग, ठीक है। हम लोगों को थर्ड पार्टी से, हॉस्पिटल के स्टाफ से हम लोग खबर मिली वो, ठीक है, हम लोग वहाँ से खबर भी नहीं मिली वो, ठीक है। इसलिए हमारा आरोप है कि मतलब घर वाले ही हत्या का आरोप है, ये गले कट के रहता गया है। हॉस्पिटल जब आप लोग पहुंचे तो वो लोग वहां से फरार, वो वहां से फरार हो गए। उसके बाद वो लोग घर पे भी नहीं है, वो लोग घर पे चेके नहीं थे, वो गायब चल रहे हैं। 5-6 लोग हैं वहां पे, उनके जो करीबी लोग थे उनके। क्या इसके लिए कोई आवेदन? जो FIR हम लोगों ने दिया है पुलिस को, ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी सरकार से हमें इंसाफ की दर गुहार लगाते हैं।